गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आप जानते हो कि आज आइल्स का एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम में हम आपको बताते हैं कि किस टाइप की लिसनिंग आई थी, रीडिंग, राइटिंग, हर चीज़ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि क्या हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आया। तो जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया और जो एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वो देख सकते हैं ये वीडियो और एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस टाइप के जो एग्ज़ाम है उसका लेवल किस तरह का आ रहा है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। करते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग में देखते हैं आज मॉर्निंग स्लॉट में क्या कुछ आता है। लिस्टिंग में अगर हम बात करें पार्ट वन की, तो पार्ट वन में हमारे पास फिलप्स आए थे और फिलप्स की जो कंडीशन थी, वन वर्ड से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते। लेवल था उसका इजी, 1 to 10 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में सिलेक्शन ऑफ लेटर्स आए थे, लेटर चूज करने थे, ABCD जो भी दिया था, और साथ ही साथ MCQs आए थे जो 5-6 क्वेश्चन आए थे, और लेवल जो उसका था वो था मॉडरेट लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट थ्री की। पार्ट थ्री में लार्ज MCQs आए थे, 21 to 30 क्वेश्चन, और जो लेवल था उसका मॉडरेट लेवल था, बहुत आसानी से आप कर सकते थे। 2-3% में कॉन्वर्सेशन चल रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट फोर की। तो पार्ट फोर में फिलप्स आए थे और जो फिलप्स की कंडीशन थी, वन वर्ड ओनली, सिर्फ वन वर्ड लिखना, वन वर्ड से ज़्यादा आप नहीं फिल कर सकते, ईजी टू मॉडरेट लेवल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरऑल की। तो जो लिस्टिंग आई थी वो थी इजी टू मॉडरेट लेवल की, आप में अच्छे से आराम से बैंड्स आ सकते हैं लिस्टिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में क्या आया था? रीडिंग में अगर हम बात करें पैसेज वन की, तो जो पैसेज वन का था जो लेवल, वो था इजी टू मॉडरेट लेवल, आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज टू की। तो पैसेज टू जो था वो था मॉडरेट लेवल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज थ्री की। पैसेज थ्री भी मॉडरेट लेवल का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग आई थी आज मॉडरेट लेवल की। सो जो राइटिंग होगी, टास्क वन एंड टास्क टू, हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या आया था राइटिंग टास्क वन टास्क टू में। तो अगर किसी को लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स पता, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।